लगी तुमसे ठीक लगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुले खुमरी इन द बागलान प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। मैं यहाँ पर रात को पहुँचा था, काफ़ी लेट आया था यहाँ पे मैं, और यहाँ पर रात को जो भी होटल मिला मुझे पहला, तो मैं वहाँ पे जाके मैंने आराम किया। तो एक छोटा सा जो है उस रोड साइड पे एक छोटा सा गेस्ट हाउस एक है, मेहमान खाने से यहाँ पे कहते हैं, तो मैं यहाँ पर रात को रहा था। तो अभी हम चलते हैं बाहर तक की तरह, कोई नाश्ता वगैरह का बंदोबस्त करते हैं। तो यहाँ पे दिखाता भी हूँ सराउंडिंग में कि यहाँ पे आसपास है क्या, और यहाँ पे अभी सुबह से यहाँ पे कबाब बनना शुरू हो गए। ये हमारी बाइक खड़ी हुई यहाँ पे जी, इसका रात को मैंने कवर किया था। तो इस कमरे के कि जो जहाँ मैं रात को रहा था, इसके मैंने दिया तकरीबन कोई 800 अफगानी और 100 रुपये दिया मैंने चौकीदार को इसकी रखवाली करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हैं। यहाँ नाश्ता कहाँ मिलेगा? नाश्ता इस होटल में नहीं था यार, वहाँ पर कुछ भी नहीं है होटल में। क्या कहना चाहते हो? क्या है यहाँ पे, क्या मिलता है? पराठा मिलता है, चाय मिलती है, दूध पत्ती और पराठा मिलता है। मिलता है, कहाँ मिलता है? इधर एक जगह है बॉस, हमारा एक लड़का जाए फिर तुम्हारे साथ बेचता हुई, फिर कितना दूर है? नहीं, नजदीक पास ही है। हाँ पास ही है इधर। चलो वो तो फिर खाना है, पाकिस्तान वाला सही है, वही तो खाना फिर। हम ठीक ठाक, आप सुना कैसा लगा अफगानिस्तान? अफगानिस्तान बेहतरीन है, अफगानिस्तान जबरदस्त। हाँ यहाँ पे कुछ नजर आ रहा मुझे, ये आ गया पराठा हमारा, ये है ना। सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक हो? आपके पास क्या मिलेगा मुझे नाश्ते के लिए? नाश्ते के लिए 6 पराठा मिलेगा। अंडा मिलेगा? अंडा, अंडा भी मिलेगा। अंडा मिलेगा? अंडा भी मिलेगा। मुझे दे दे भैया, क्या पराठा अंडा दे दे मुझे। अरे बच्चों, हमारा जो नाश्ता था पसंद का वो आ गया। हमारे 2 पराठे हैं, अंडा फ्राई है, साथ में चाय है और पानी भी यहाँ पड़ा हुआ कूलर। पूरा वॉश कर लेगा? हाँ वॉश खुदा में पड़ता है, खोलना उसका। क्या कह रहा वॉश खुदा? समझ नहीं आई भाई, एक फोटो खींचनी है। बिल्कुल ही बिल्कुल, फोटो खींचे आप। ठीक है जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान। ओके भाई मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ से रास्ता कहाँ से मिलेगा जी? ना खिदमत नहीं करो मेरी, बस खिदमत बहुत हो गई। रास्ता कहाँ से है? आगे रास्ता है कि यहाँ से रास्ता है? यहाँ से है। बच गया? चलो अच्छी बात है, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय। ये है जी पुले खुमरी। अस्सलाम वालेकुम अगेन एंड वी आर ऑन द रोड। इस टाइम तकरीबन कोई क्या टाइम हो रहा है? तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, क्योंकि आज कोई सफ़र इतना लंबा नहीं है मेरा यहाँ पुले खुमरी से मज़ार शरीफ तक का। मैंने बदख्शां जाने का प्रोग्राम था कैंसिल कर दिया, हम अपना सफ़र जो है इस तरफ रखते हैं टूवर्ड्स बल्ख, एंड देन फ्राम देयर वी विल मूव ऑन टू फारियाब प्रोविंस, वहाँ से हिरात एंड देन टू ईरान। तो ये प्लान है हमारा। अब ये है जी पुले खुमरी का शहर और ये बागलान प्रोविंस का ये डिवीज़न है। तो आज का जो सफ़र है हमारा तकरीबन कोई 200 किलोमीटर है फ्रॉम पुले खुमरी टू मज़ार शरीफ, जो कि कैपिटल है बल्ख प्रोविंस का। ये मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का जो ये प्रोविंस है बागलान का, ये क्योंकि गर्म है और फ्लैट है,
तो यहाँ पे आपको मेरे दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ आपको नज़र आ रहा हूँ कि यहाँ पे गंदम के जो हैं फसल वो कटी हुई है। यहाँ पे गंदम की फसल सारी कटी पड़ी है, यहाँ पे सारी गंदम की फसल दूर दूर तक, वहाँ पे सामने जो है वो वहाँ पे गंदम से भूसा निकाल रहे हैं, दाने अलग कर रहे हैं। तो यहाँ के इस एरिया में जो है गंदम की पैदावार जो है वो ज़्यादा है। एंड इसका अपना एक इसकी अपनी खूबसूरती है। अब जब कल वहाँ पे थे, वहाँ पे सारे पहाड़ थे, कभी लाल पहाड़, कभी ग्रीन पहाड़, कभी खुश्क पहाड़, और यहाँ पे थोड़ा फ्लैट एरिया है, पहाड़ हैं दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं, लेकिन एरिया जो है ज़्यादा वो खुश्क है, फ्लैट है, इसलिए यहाँ पे गंदम जो है वो ज़्यादा है। जो हमने कल टनल की है और जो हमने कल पास किया है सालंग वाला, सालंग पास, आई थिंक उसके बाद हमारे इस सफ़र का, इस साल के, आई होप आई थिंक सो, कि जो सबसे मुश्किल मरहला था वो हमारा कवर हो गया। सालंग टनल इज़ क्या कह सकते हैं कि मोस्ट डेंजरस, इज़ अ किलर, और वो हमारा कल जो है वो हो गया। अब आगे छोटे मोटे शायद और आएंगे, लेकिन इतने ख़तरनाक और इतनी हैवी किस्म की जो है वो ऑफ रोड, और इतनी ख़तरनाक किस्म की जो है सुरंगें और पहाड़ और इस तरह के जो हैं पासिस, वो आई थिंक नहीं आएंगे। और अभी अब यहाँ पे देखें लैंडस्केप टोटली चेंज हो गया है, दूर दूर तक छोटे छोटे से स्टेप्स हैं और बिल्कुल ड्राई, यहाँ पर गंदम भी शायद नहीं है, और यहाँ पे इसकी ब्यूटी, इसकी एक और ब्यूटी है। तो हर जगह पे अफगानिस्तान में हर 50 किलोमीटर के बाद, हर 20 किलोमीटर के बाद आपको लैंडस्केप चेंज मिलता है। जरा आप जरा सीनरी चेक करें मेरे सामने, इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर है? पासपोर्ट? ये क्या है? पाकिस्तान वाली। हाँ पाकिस्तान। आज उत्रिश उत्रिश दो नफर रफ हमस मजार, एक जान एक मार मजार मजार मासरा मोरो द तुम तेल दे। हां हां Don't speak English. You speak Urdu? Urdu. I speak Pashto. Pashto. I don't speak Pashto. Go to the Chankeshwar. Chankeshwar? Patrish. Chankeshwar. Afghanistan, Pakistan. Afghanistan, Iran. Iran. Afghanistan, Iran. And then... tourist, that's it. Tourist, tourist. सामान है, सामान सामान कपड़े 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 स्लीपिंग बैग टूल लेजर ग्रुप मुरूप ना दारी लेजर है दारी ग्रुप ना लेजर है दारी कैमरा कैमरा GPS
نہیں معلوم پختو نہیں پے گی پختو نہیں پے گی فارسی تھوڑا تھوڑا پے گی اردو پے گی اردو پے کیا ٹھیک ہے مزار ان شاء اللہ مسلمان الحمد للہ مسلمان یا میرا پیپر دو میں جاؤں تو لیں جی میں یہاں پہنچ چکا ہوں مزار شریف میں. آج کا دن ہمارا چھوٹا ہی رہا ہے لیکن ہماری جو ہے آج کا دن ہمارا ویسے اچھا گزرا ہے. صرف 200 کلومیٹر کی رائڈ تھی. اب جہاں میں گھر آیا بیٹھا ہوں اپنے اور یہاں پہ یہ سارے یہ دوست ہیں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور ہمارے پاس آج جو ہے کھانے میں یہ ہے کچھ چکن کی بنا ہوا سالن افغان اسٹائل میں شاید, ساتھ میں سلاد ہے, افغان کی روٹی وغیرہ ہے ساتھ میں, ساتھ میں بچہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. تو ابھی میرا خیال ہے کہ میں یہاں پہ رکوں گا 3-4 دن. جو پچھلی ویڈیو جو میں نے بنائی ہیں ابھی تک کی تو ان کو ذرا بنا کے ذرا آپ کو وہ دکھاؤں گا اور پھر میں اپنا سفر آگے شروع کروں گا دوبارہ ٹورڈ ہرات. تو میں یہاں رکوں گا ابھی. آج کی ویڈیو کو میں یہیں ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو آج کے دن بھی پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اینڈ دین آئی ول سی یو ان فیو ڈیز فرام مزار شریف اگین. انٹل دین السلام علیکم.